दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं CTET जो कि होता है टीचर का, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, CTET सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसके लिए आपने अप्लाई किया था, इसमें मैंने आपको वीडियो बना के दिया था किस तरह अप्लाई करते हैं, तो आपने अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब जो है इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, तो एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे, चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिए दो सर्वर दिए गए हैं, किसी भी एक सर्वर पे क्लिक कर लीजिएगा, दोनों सर्वर सेम काम करता है, किसी भी एक सर्वर पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट सर्वर काम नहीं कर रहा है, दूसरा सर्वर पर आप ओपन कीजिएगा। तो चलिए मैं सेकेंड सर्वर को ओपन करता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट ये एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है किसी तरह का प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक दो बार तीन बार ट्राई कर लीजिएगा अभी, क्योंकि न्यू न्यू अपलोड हुआ है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपको CTET दिसंबर 2019 जो है वो आपको यहाँ पे सर्च मतलब सेलेक्ट करना है। उसके जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा आपने का, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जो अप्लाई किए थे उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर वो दे देना है, नहीं तो आपको मेल भी आया होगा जब पेमेंट किए थे, तो मेल भी आपको आया होगा, उसमें भी आपका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का दे इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखें, मैंने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा स्टूडेंट का, वो डेट ऑफ बर्थ मंथ देना है, जो भी होगा वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ देने के, यहाँ पे जो भी कैप्चर है वो आपको सिक्योरिटी पिन में दे देना है, ठीक है। जो भी कैप्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा उसी कैप्चर को यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन में इंटर कर देना है, ठीक है। ये सारा चीज़ इंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन का एक बटन है, साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिला, जहाँ पे देखो लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो करना कुछ नहीं, सिंपली डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए PDF मेरा डाउनलोड हो चुका है एडमिट कार्ड का। मैं इसे एडमिट कार्ड को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड हो चुका है, अब इस तरह का एडमिट कार्ड आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, तो यहाँ पे आपका सेंटर रहेगा, जहाँ भी आपका सेंटर पर आएगा वो आपका सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, और यहाँ आपका सेंटर जहाँ पे एग्जाम होगा उस एग्जाम उस डेट यहाँ पर, और यहाँ पे सेंटर कोड आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह भी आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे पेपर वन और डेट दिया गया, डेट ऑफ एग्जाम 8/12/2019 को, टाइम भी दिया गया यहाँ 9:30 से 12 बजे तक, ठीक है। इसको आपको प्रिंट कर लेना है, इसको आपको यही एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है इस सेंटर पर, और 8 दिसंबर को। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।